दिल्ली कैपिटल्स का सामना आज शुक्रवार के दिन राजस्थान रॉयल्स के साथ होने वाला है। इस मैच में दोनों ही टीमें जीत का सिलसिला कायम रखना चाहेगी। आपको बता दें कि दोनों ही टीमें पिछला मुकाबला जीत कर आ रही हैं। जहां दिल्ली ने पंजाब को आसानी से हरा दिया, तो वहीं राजस्थान ने रोमांचक मुकाबले में कोलकाता को मात दी थी। लेकिन इस मैच से पहले दिल्ली की टीम और टीम के खिलाड़ी दोनों काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और मैच के लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं। आपको बता दें कि पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब को आसानी से 9 विकेट से हराया था, जिसमें वार्नर और पृथ्वी शॉ की जोड़ी ने शानदार बल्लेबाजी की थी। अब पिछले मुकाबले की बात करते हुए वार्नर ने अपने साथी पृथ्वी शॉ पर एक गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि डेविड वार्नर ने पृथ्वी शॉ पर ये आरोप लगाया है कि उनकी वजह से वो मैदान में सिंगल्स नहीं ले पाते हैं। जी हाँ, वार्नर ने पृथ्वी शॉ पर ये मजाकिया आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है, उनका साथ काफी तेजी से चलता है, वो लगातार चौके छक्के लगाते रहते हैं जिससे तेजी से दौड़कर 2 रन लेने की जरूरत मेरी कम हो गई है। ये अच्छा है कि मुझे दौड़कर ज्यादा रन नहीं बनाने पड़ रहे हैं, वो पहली ही गेंद से हमारे लिए लय बना देते हैं। इसी बात पर आगे बात करते हुए डेविड वार्नर ने कहा कि आमतौर पर ऐसा कम होता है कि दोनों छोर से आक्रामक बल्लेबाजी हो, ये हमारे दिमाग में है कि हम सकारात्मक और अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलें। आपको बता दें कि इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर इस सीजन में पहले पावर प्ले यानी कि बल्लेबाजी पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन अपने नाम किए। दोनों ने पंजाब के खिलाफ हुए मुकाबले में पहले पावर प्ले में कुल 81 रन बनाए थे, जिसकी बदौलत दिल्ली को आसानी से जीत दर्ज हुई। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।